नमस्कार बच्चों अब आखिरी चैप्टर इस बुक का चैप्टर तेरह जो है प्रायिकता ये स्टार्ट करेंगे आज क्लास इलेवेंथ में आप प्रायिकता के बारे में पढ़ के आए हैं थोड़ी सी टर्म्स और बेसिक फॉर्मूला में एक बार रिवाइज करा दूं कि एस यानी प्रतिदर्श समाविष्टि समा, समा यानी सैम्पल स्पेस एस हम एक सेट लेते थे सेट भी आप जानते हैं क्लास इलेवेंथ में पढ़ के आए थे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी यहाँ पर प्रायिकता के उसमें आप इस सैम्पल स्पेस को क्या लेते थे कि जब किसी कार्य को करते थे और उसके एक एक से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं तो उन सब रिजल्ट्स का जो कलेक्शन होता है उनका जो सेट बनता है उसे हम सैम्पल स्पेस यानी प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं ये आप क्लास इलेवेंथ में पढ़ के आए थे जैसे कि अगर एक डाइस को उछालें तो उस पर या तो एक नंबर आएगा या दो नंबर आएगा या तीन या चार या पाँच या छह तो ऐस क्या था एक दो तीन चार पाँच छः ये नंबर अगर आ रहे हैं तो जितने आउटकम्स हैं कितने उनके रिजल्ट आ सकते हैं उनका जो कलेक्शन लिया था उसको हम सैंपल स्पेस से इस तरह से शो करते थे तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं फिर इसी में हमने बताया था लास्ट ईयर कि अगर आपका कोई ए बी सी एटसेट्रा मान लीजिए ए बी या ई e, ये कोई सेट है जो एस का सबसेट है यानी ई e में सॉरी ए बी को छोड़ दो ई e कोई सेट है जो एस का सबसेट है और ई e में यानी ई e के जो मेंबर्स हैं वो इनमें से कोई हैं कुछ हैं या सारे हैं तो ई e जो है ईवेंट कहलाता है इसको ईवेंट के नाम से जानते हैं और घटना आप इसे हिंदी में आप इसे घटना कहेंगे एन एस का मतलब था कितने मेंबर हैं सेट में इसमें छः ही मेंबर हैं अब घटना ये है कि घटना ये कहते हैं कि मान लीजिए उस पर जो संख्या है चार से ऊपर हो तो चार से ऊपर संख्या पाँच या छः होगी तब एन एन ई का मतलब कितना है दो है तो इस घटना के होने की प्रायिकता यानी पी ई के नाम से जो हम जानते थे वो था एन ई अपॉन एन एस तो ये इस तरह से बेसिकली आप प्रायिकता को पढ़ के आए थे क्लास इलेवेंथ में ये मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ और बेसिकली जो हमारे सेट्स के नियम लगते थे वो ही सारे सेट्स के नियम यहाँ पर प्रायिकता में क्लास इलेवेंथ में लगे थे इनमें से कुछ मैं आपको या, एक यूनियन वाला याद करा दूँ कि अगर ए और बी कोई दो इवेंट हैं डेफिनेटली ए एस का सबसेट है और बी भी एस का सबसेट है तो ए अथवा बी होने की प्रायिकता जो हम पढ़ के आए थे वो पढ़ के आए थे पी ए प्लस पी बी पी ए बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी साथ साथ हम ये भी पढ़ के आए थे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ए और बी कैसे इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी अगर ए होगा तो बी नहीं और बी है तो ए नहीं इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा फाइव होगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कि एक की होने की दशा में दूसरा नहीं होगा दूसरा नहीं होगा तो दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा तो इस तरह से इसकी प्रायिकता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा ज़ीरो तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर था पी ए प्लस पी बी और इंडिपेंडेंट uh, इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो अभी हम पढ़ेंगे यहीं पर पी ए इंटू पी बी हो जाता है यानी ए के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता बी के होने से ए पे फर्क नहीं पड़ता तो ए और बी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं तो ये स्थिति आती है यानी स्वतंत्र घटनाएं अब क्लास ट्वेल्थ में जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता सह प्रतिबंध यानी प्रतिबंध के साथ घट प्रायिकता। तो सह प्रतिबंध घटना सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है यह आप देखेंगे कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसका सैंपल स्पेस एस है और ए और बी कोई दो घटनाएं हैं दो घटनाएं इस प्रकार है तो अब पी ए अपॉन बी इसका मतलब होता है बी के होने की प्रायिकता जबकि ए बी ए के होने की प्रायिकता जबकि बी हो चुका हो यानी पहले से ही पता है कि बी तो हो चुका है तब ए होने की क्या प्रायिकता है तो ये कहलाता है सह प्रतिबंध प्रायिकता और इसका जो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इसी तरह से पी बी अपॉन ए की बात करेंगे तो ये होगा पी इसका मतलब ए हो चुका है तब बी होने की प्रायिकता तो ये हो गया बी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए तो ये बेसिकली डेफिनेशन है सह प्रतिबंध प्रायिकता की कि ए हो गया हो बी हो गया हो तो ए होने की प्रायिकता और बी अगर हो गया ए हो गया हो तो बी होने की प्रायिकता तो ये सूत्र लगाकर आप इसमें काम करेंगे तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन थी लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल जो किताब में भी दिया हुआ है उसकी मदद से मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तीन सिक्के हैं तीन सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या आउटकम्स होंगे एक साथ उछालने पर या तो तीनों पर हेड आएगा या पहले दो पर हेड, तीसरे पे टेल या पहले और तीसरे पे हेड दूसरे पे टेल या दूसरे तीसरे पे हेड पहले पे टेल यानी दो हेड, एक टेल दो हेड और एक टेल इतने तरीक़ों से आ सकते हैं तीनों पर हेड एक तरीके से आ सकता है फिर इसके बाद दो टेल एक हेड कैसे कैसे आ सकते हैं कि पहली दो टेल और आखिर में हेड या फिर पहले और आखिर में टेल और बीच में हेड या फिर पहले में हेड और बाकी दो टेल तो इस तरह से एक हेड और दो टेल आने के ये तरीके हो गए या फिर तीनों ही टेल तो इस तरह से कुल जो आपके रिजल्ट हो सकते हैं दो तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये टोटल रिजल्ट आपके आ गए इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं होगा तो इस तरह से आपने ये सैंपल स्पेस बना लिया यानी प्रतिदर्श समिष्टि बना लिया अब कहते हैं मान लीजिए ई एक ऐसी घटना है ई घटना है ये कहती है कि कम से कम दो हो तो घटना ये कहती है कि कम से कम दो हो तो कम से कम दो हेड का मतलब या तो दो हेड या दो से ज्यादा हेड तो दो से ज्यादा ई का मतलब कम से कम दो हेड आए तो इसका मतलब क्या क्या होगा इसमें या तो तीनों हेड होंगे या कोई दो हेड होंगे तो एच एच टी एच टी एच या टी एच एच तो ये आपकी इवेंट हो गया घटना एफ कहते हैं कि पहले दो कॉइन पर टेल आए घटना एफ ये कहती है पहले दो कॉइन पे क्या आए टेल्स आए तो पहले दो कॉइन पे टेल आना कौन कौन सी घटना हो गई सॉरी एफ uh, जो है एफ कहता है कि पहले सिक्के पर पहली बार पहले सिक्के पर टेल हो पहले सिक्के पर टेल हो तो पहले सिक्के पर टेल हो तो, तो इसमें क्या क्या इवेंट्स बैठेंगे ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला टी एच एच टी एच टी 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 एच एच टी और ट्रिपल टी ये हुआ ई की प्रोबेबिलिटी, यानी घटना ई की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई एक दो तीन चार कुल चार तरीके से आ सकती है घटना ही और टोटल थे यार आठ तो चार बटे आठ यानी एक बटे दो ऐसे ही घटना एफ की प्रोबेबिलिटी कितना हुआ एक दो तीन चार यानी चार बटे आठ यानी एक बटे दो अब अगर हम कहें ई भी हो और एफ भी हो यानी कम से कम दो हेड भी हो और पर पहले पर टेल आए यानी दोनों घटनाएं एक साथ हों कम से कम दो हेड तो हो और पहले पर टेल हो तो कम से कम दो हेड हो और पहले पे टेल हो तो ये सिर्फ कहाँ संभव है ये आप देख लीजिए कम से कम दो हेड हो और पहले पे टेल हो तो ये वाली दोनों में कॉमन है तो सिर्फ एक तरीके से ये कॉमन है टी एच एच करके तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा वन अपॉन एट ये आपका ये चीज आई अब ये कहते हैं कि ई अपॉन एफ अब यहाँ से डिफाइन होता है ई अप एफ अब देखो ये कैसे निकलेगा यानी ये पता है कि पहले सिक्के पर टेल आ रहा है तो पहले सिक्के पर टेल आ रहा है तब दो आपके पहले सिक्के पर टेल आ रहा है और फिर दो हेड आने की क्या संभावना है तो कितनी बैठेगी आपकी यानी ये मान के चलते हैं तो अब इस घटना के लिए ई अपॉन एफ को अगर मैं एक घटना मानूँ ए तो ए घटना के लिए अब जो सैंपल स्पेस होगा वो एफ हो जाएगा तो एफ आपका कितना है ये और तो अब इसके लिए सैंपल स्पेस हो गया आपका टी एच एच टी टी एच टी एच टी और टी 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 यानी जब हमें पता है कि पहले पर टेल आ चुका है तो जब पहले पर टेल आ चुका है तब ये घटना नहीं मानी जा सकती ये वाला रिजल्ट नहीं माना जाएगा ये रिजल्ट नहीं माना जाएगा और ये वाला रिजल्ट नहीं माना जाएगा तो जब ये पता है कि पहले पर टेल जरूर आया है तो इसका मतलब अब आपके पास जो आउटकम जिनमें आपको देखने हैं वो क्या क्या गए एक दो तीन चार तो अब दो हेड को देखने के लिए आप पे चार ये आ, रह गई इनसे ही देखेंगे तो अब यही सैंपल स्पेस बन गया घटना ई बटे एफ के लिए तो पीए की बात करें तो अब पी ए क्या है आ, दो हेड आने की प्रायिकता जबकि पहले पर टेल आएगा तो अब दिन में दो हेड कहाँ कहाँ आ रहा है एक बार तो इस तरह से वन आउट ऑफ फोर यानी एक आ रहा है और टोटल कितने थे चार तो पी कितना हुआ एक बटे चार तो पी ई e बटे एफ कितना हुआ इस तरह से एक किसे माना था ई e बटे एफ को तो पी ई F कितना हुआ एक बटे चार ये हमारा रिजल्ट आया इसी चीज़ को अगर मैंने जो अभी सूत्र बताया था उससे अगर हम देखें तो पी ई e बटे एफ का मतलब हुआ हमारे हिसाब से हमने जो अभी सूत्र बताया था ये था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ पी ई इंटर सेक्शन एफ कितना है वन अपॉन एट और पी एफ कितना आया था आपका वन अपॉइंट टू ये हो गया टू अपॉन एट ये रिजल्ट आया वन बाई फोर तो ये दोनों की दोनों वेरीफाई हो गए तो आप या तो इस तरह से निकालेंगे या सीधा सूत्र करके निकालेंगे तो इस तरह से सूत्र बना है और सूत्र से फिर ये रिजल्ट आ रहा है डायरेक्ट करते तो ये इस तरह से आता तो ये मैंने आपको समझाया तो हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो फिर से मैं आपको सूत्र बताती हूँ कि दो घटनाएं ए और बी हैं और बी हो चुकी है तब ए होने की प्रायिकता होगी पी ए इंटरसेक्शन बी यानी ए बी हो बी बी हो अपॉन पी बी तो ये वाला सूत्र आप लगा के चलेंगे बशर्ते जो पी बी है वो इम्पॉसिबल इवेंट ना हो यानी पी के होने की प्रायिकता होनी चाहिए अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पर फिर चलेंगे सीधा एक्सरसाइज जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या चीज आ गई है लेकिन जब क्वेश्चन को आप सब पढ़ करने लगेंगे तो क्वेश्चन से आपका एक कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा अब हम सिर्फ सूत्रों को फॉलो करेंगे जो हमारे सेट्स के सूत्र हैं या प्रोबेबिलिटी के सूत्र जो पिछले साल बताए थे और जो अभी बता रहे हैं सिर्फ सूत्रों को फॉलो करेंगे तो प्रॉबर्टी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रैंडमली नहीं सोचेंगे इसको तो पहली प्रॉपर्टी कहती है पी एस अपॉन एफ इसका क्या मतलब हुआ जब पता है एफ हो चुका है तब एस की होने की प्रायिकता जबकि एस क्या है आपका सैंपल स्पेस अब आप जानते हैं अगर हम इसको सूत्र को फॉलो करें अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे लेकिन हमें तो सिर्फ सूत्र फॉलो करना है ठीक है तो पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ अभी हमने सूत्र पढ़ा था वो सूत्र लगा दिया क्लियर हो गया अब आएंगे प्रॉप आप एस सैम्पल स्पेस होता है जितने भी इवेंट्स हैं वो उसके सबसेट होते हैं तो चूंकि एफ सबसेट है एस का तो जब ए बी का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा सेट ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा ए के क्योंकि सैम्पल स्पेस ये हो गया एफ इसका सबसेट है यानी इसके अंदर होगा तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन यानी इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन कितना हुआ एफ के बराबर ही हुआ तो एस इंटरसेक्शन एफ कितना होगा पी एफ ही होगा पी एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू वन तो कहने का मतलब एफ हो चुका है इवेंट एफ हो चुका है तब सैंपल स्पेस की होने की प्रायिकता तो जब भी कभी वैसे भी पी एस तो हमेशा ही वन होता है चाहे कुछ हो या ना हो तो अम, सैंपल स्पेस तो होगा ही सैंपल स्पेस की तो होने की प्रायिकता हमेशा क्योंकि तो ये तो शोर इवेंट होता है आपका इसकी प्रॉबर्टी हमेशा वन होती है दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत काम आएगी कई क्वेश्चंस में काम आएगी अच्छा इसी में ही फिर एक और तो ये वन के बराबर हो गया फिर पी एफ अपॉन एफ एफ होने की प्रॉबर्टी जबकि एफ हो चुका है जब एफ हो चुका है तब इसकी चूंकि ये तो शोर इवेंट हुआ तो जब हो चुका है तो उसकी प्रॉबर्टी कितनी हुई वन हुई तो रिजल्ट वन आएगा लेकिन हम सूत्र के हिसाब से अगर देखेंगे पी एफ अपॉन एफ तो ये हुआ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ और एफ और एफ का इंटरसेक्शन एफ के बराबर ही होगा तो पी एफ अपॉन पी एफ रिजल्ट आएगा वन आइए सेकेंड प्रॉपर्टी पर मैंने अभी प्रॉबर्टी का एक आपको लास्ट ईयर जो एक सूत्र पढ़े थे हम कहते हैं कि एस कोई सैंपल स्पेस है और ए और बी कोई दो इवेंट हैं और एक इवेंट एफ है और ये भी दिया हुआ है पी एफ ज़ीरो नहीं है यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है कि एफ में एम टी सेट नहीं है यानी एफ ऐसा इवेंट है कि वो कम से कम उसमें एक मेंबर तो आएगा ही आएगा इस सेट में एक मेंबर जरूर होगा ये सेट खाली नहीं होगा ए और भी खाली हो सकते हैं वो एक अलग बात है तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी बताइए पी ए यूनियन बी अपॉन पी एफ की यानी ए या बी होने की प्रायिकता जबकि एफ हो चुका है तब आपको निकालना है तो पी ए यूनियन बी हमने पढ़ा था पी ए यूनियन बी किसके बराबर था पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये हम पढ़ के आए थे तो इसका जो अब ये पहले यहाँ लगाएंगे इसे प्रूव करके लाते हैं तो अभी हमने जो कंडीशनल प्रॉपर्टी का सूत्र पढ़ा था हमने पढ़ा था कि एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होता है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई तो अब यहाँ x की जगह a इंटरसेक्शन बी और y की जगह f तो इस तरह से पी ए, यूनिय, ए यूनियन a यूनियन b सॉरी a यूनियन b अपॉन p अपॉन f को पी ए यूनियन b अपॉन f को क्या लिखेंगे हम p a यूनियन b इंटरसेक्शन f अपॉन पी एफ अभी से आप देखेंगे p यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे आपको फिर से याद कराती हूँ जब सेट्स पढ़े थे अगर दो सेट एक्स और वाई हैं या तीन सेट हैं ए बी सी तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लगा था डिस्ट्रीब्यूशन uh, का मतलब वितरण नियम जो कहते हैं हम ये होता था ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी ये आपका वितरण नियम था और यही वितरण नियम यहां लगाते हैं तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी अपॉन एफ ये हो जाएगा यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अब ये वाला नियम लगाएंगे ए यूनियन बी यहाँ पर ए का मतलब ये बी का मतलब ये तो इसका मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन बल्कि इसे ऊपर वाले को तोड़ रही हूँ अभी फिर से देखो इसे इसे करेंगे नीचे वाला तो पी एफ ही रहा अब यहाँ इसे x मान लो इसे y मान लो तो x यूनियन y का क्या होगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई तो ये हो गया पी एक्स का मतलब ए इंटरसेक्शन एफ प्लस बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ये वाला सूत्र लगा के आया ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ तीनों का इंटरसेक्शन हुआ तो ये हो गया आपका पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस P इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन क्योंकि दो दो बार F को लिखना यानी इन तीन सेट का इंटरसेक्शन तो P इंटरसेक्शन P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F इस तरह से मैं इसको लिख रही हूं चीज एक ही है अपॉन पी एफ अब इसका मतलब हुआ कंडीशनल प्रॉबर्टी से P A इंटरसेक्शन F अपॉन एफ पी ए अपॉन एफ पी ए अपॉन एफ का सूत्र क्या था पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ तो पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ किसका सूत्र था पी ए अपॉन एफ का इसी तरह ये किसका सूत्र है पी अपॉन एफ का और इसका क्या सूत्र है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ ये सूत्र इसका है तो इस तरह से ये थ्योरम बन के आती है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ यानी एफ जब हो चुका है तो ए अथवा बी होने की प्रायिकता होगी पी मतलब प्रायिकता ए की जबकि एफ हो चुका है या फिर प्लस बी की प्रायिकता जबकि एफ हो चुका है या a तथा बी के होने की प्रायिकता माइनस करते हुए जबकि पता है एफ हो चुका है तो ये दूसरा एट टाइम ये प्रूव करने के लिए आ जाता है तो इसे आप कर लीजिएगा अगर दोनों की दोनों disjoint सेट होते हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी पाई के बराबर होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो ऐसे में ये ए यूनियन बी अपॉन एफ किसके बराबर हो जाएगा पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ तो इस तरह से ये आपका ये प्रॉपर्टी थी आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको पर आप बहुत ध्यान से इनको देखते रहिए सिर्फ उतने नेक, इस स्टेप को करने के लिए सिर्फ पिछले वाले स्टेप पर ध्यान दीजिए धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा दो तीन बार पढ़ने में तो पी ए नहीं होने की प्रायिकता जबकि पता है एफ हो चुका है इज इक्वल्स टू वन माइनस ई के होने की प्रायिकता जबकि पता है एफ हो चुका है तो इसको करने के लिए हम कहेंगे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एक तो हमें पता है कि एस बराबर होगा ई यूनियन ई डैश के यानी या तो इवेंट होगा या इवेंट ई डैश नहीं होगा तो इन दोनों का यूनियन जब हम करेंगे तो ये सैम्पल स्पेस के बराबर होगा तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं यानी ऐसे इवेंट्स जिनका आपस में तो कुछ कॉमन हो ना लेकिन उन सब का यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर हो तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं या पार्टीशन ऑफ सेट्स भी इन्हें कहा जाता है जो पहले आपने इस तरह की बातें पढ़ी होंगी तो हम अगर उस पर आए तो हम जानते हैं पी एस अपॉन एफ किसके बराबर होता है वन पहली प्रॉपर्टी अभी पढ़ के आए थे और एस की जगह मैं लिख रही हूं ई यूनियन इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ अभी अभी प्रॉपर्टी टू पढ़ के आए थे ए यूनियन बी अपॉन पी एफ़ किसके बराबर था इसकी जगह लिखेंगे ई अपॉन एफ़ प्लस पी ई डैश अपॉन एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू वन पर चूंकि ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई डैश कितना होगा फाइव होगा फाइव क्यों, क्यों होगा क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं यानी कि अगर ई e होगा तो ई e डैश नहीं होगा ई e डैश होगा तो ई e नहीं होगा दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हैं तो इस तरह से प्रॉबर्टी ई ई e डैश की क्या हो जाएगी जीरो हो जाती है तो इस तरह से पी ई अपॉन एफ़ किसके बराबर होगा ई e डैश अपॉन एफ़ बराबर वन तो पी ई डैश अपॉन एफ़ बराबर वन माइनस पी ई अपॉन एफ़ के बराबर होगा ये थी आपकी प्रॉपर्टी थ्री तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से और सिर्फ आपके जो डेफिनेशन है उसकी मदद से आप थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज पे आते हैं और आप इसको बहुत आसान पाएंगे जब आप इसको सिंपली फॉर्मूले से करके चलेंगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एग्जांपल्स कर लीजिएगा सारे किताब में दिए हैं जो नहीं समझ आए तो उसे आप पूछ लेंगे क्वेश्चन ये कहता है कि एक ये कहता है कि ई और एफ इवेंट्स हैं दो इवेंट्स हैं तो ई e की होने की प्रॉबर्टी दिया हुआ है आपको पॉइंट सिक्स एफ के होने की प्रायिकता दिया, दिया हुआ है आपको पॉइंट आप थ्री e e और दोनों के होने की प्रायिकता दिया हुआ है आपको पॉइंट टू आपसे पी ई अपॉन एफ पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई दोनों पूछा है यानी जब एफ हो चुका तब ई e होने की प्रायिकता जब ई e हो चुका तब एफ होने की प्रायिकता तो पी ई अपॉन एफ का सूत्र से अगर हम करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितना होगा ये पॉइंट टू अपॉन पी एफ का मतलब पॉइंट थ्री यानि टू अपॉन थ्री इसी तरह से एफ अपॉन ई का मतलब होगा एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई पी ई है आपका पॉइंट सिक्स पी एफ इंटरसेक्शन ई है पॉइंट टू अपॉन पॉइंट सिक्स ये हुआ वन अपॉन थ्री और ये आपसे पूछा था तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे आप इसको बहुत आसान पाएंगे तो फार्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आसानी से होता जाएगा आइए क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू ये कहता है कि पी ए अपॉन बी बताइएगा निकालिए इसका मान जबकि पी बी कितना है पॉइंट फाइव दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी सीरो पॉइंट थ्री टू दिया है तो पी ए अपॉन बी हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पॉइंट थ्री टू अपॉन पॉइंट फाइव थर्टी टू अपॉन फिफ्टी यह हुआ आपका सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो ये प्रॉबर्टी बैठी आपकी सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लें वरना ऐसे ही छोड़ दें प्रश्न नंबर तीन पर आएंगे पी आपको दिया हुआ है पॉइंट एट पी दिया हुआ है आपको पॉइंट फाइव पी बी अपॉन ए दिया है आपको पॉइंट फोर आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए ये पूछा है पहले तो पी बी अपॉन ए का सूत्र आपको याद हो तो ये होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए तो इस तरह से यहां से पी बी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया पी बी अपॉन ए इंटू पी ए बी अपॉन ए दे रखा पॉइंट फोर पी ए दिया आपको, .8. तो आप है आपको पॉइंट एट तो योग जीरो पॉइंट थ्री टू सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है पी ए अपॉन बी पी ए अपॉन बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात होती है क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं इंटरसेक्शन में तो योग्य पॉइंट थ्री टू और पी बी था आपका पॉइंट फाइव तो हो गया सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव थर्ड पार्ट पूछते हैं आपसे पी ए यूनियन बी तो पी ए यूनियन बी का सूत्र आपको बताया था ये था पी ए लास्ट ईयर ही पढ़ा था प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए आपको दिया हुआ है पॉइंट एट पी बी दिया हुआ है पॉइंट फाइव और ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला था पॉइंट थ्री टू तो। सीधे सूत्र लग रहे हैं आठ और पाँच तेरह वन पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट थ्री टू आठ और ये बारह में से तीन गए नौ पॉइंट नाइन टू तो ए या बी होने की प्रायिकता पॉइंट नाइन एट है ये था आपका थर्ड पार्ट पार। तो सीधा सूत्र लग रहे हैं जो सेट्स के सूत्र हैं उन्हें आप करते जाएंगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर क्वेश्चन नंबर फोर पे कहते हैं कि कैलकुलेट कीजिए एवेलुएट कीजिए मान निकालिए पी ए यूनियन बी का जबकि आपको दिया है टू पी ए बराबर पी बी बराबर पाँच बटे तेरह और आपको दिया हुआ है पी ए अपॉन बी बराबर दो बटे पाँच तो इसका मतलब टू पी ए बराबर पाँच बटे तेरह तो पी ए हो गया जर आ गया पाँच बटे छब्बीस पी बी है आपका पाँच बटे तेरह दे रखा है और ये आपको दिया है अब आपसे पूछा है पी ए यूनियन बी तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ नहीं दिया, दिया है ए अपॉन बी तो हम जानते हैं पी अपॉन पी ए अपॉन बी किसके बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बी के तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ पी बी इंटू पी ए अपॉन बी तो पी बी था आपका पाँच बटे तेरह ए अपॉन बी दो बटे पाँच तो ये रह गया दो बटे तेरह और अब इस तरह से पी ए यूनियन बी हो गया आपका पी ए आपका पांच बटे छब्बीस पी बी है पांच बटे तेरह माइनस दो बटे तेरह तो ये हो गया छब्बीस पाँच दस चार पंद्रह माइनस चार ग्यारह बटे छब्बीस ये हो गया पी ए यूनियन बी ये था क्वेश्चन नंबर चार आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर क्वेश्चन नंबर पाँच ये कहता है कि पी आपको दिया है छ बटे ग्यारह पी बी दिया है पाँच बटे ग्यारह और पी ए यूनियन भी दिया है आपको सात बटे ग्यारह पहला पार्ट आपको पी ए इंटरसेक्शन भी पूछा है तो आप कहेंगे पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये तीन चीज पता है ये नहीं पता तो मिसिंग निकालेंगे तो यो गया सेवन अपॉन इलेवन सिक्स अपॉन सॉरी इक्वल टू सिक्स अपॉन इलेवन प्लस फाइव अपॉन इलेवन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया तो योग ग्यारह बटे ग्यारह माइनस सात बटे ग्यारह कुल मिला के हो गया चार बटे ग्यारह सेकेंड पार्टी कहते हैं पी ए अपॉन बी निकालें तो पी ए अपऑन बी का मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला आपने चार बटे ग्यारह पी बी आपका है पाँच बटे ग्यारह फिर तो रह गया चार बटे पाँच इसी तरह से तीसरा पार्ट है पी बी बटा ए पूछा है ये होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ए की बात होती है तो ये होगा चार बटे ग्यारह पी ए का मतलब छः बटे ग्यारह तो चार बटे छः यानी दो बटे तीन प्राइकता इसकी हो तो ये थे प्रश्न नंबर पांच तक क्वेश्चन अब आते हैं प्रश्न नंबर कहते हैं छ से नौ तक के जो क्वेश्चन हैं प्रश्न नंबर छ से नौ तक के क्वेश्चन मैं आपसे कहते हैं कि ई अपॉन एफ निकालना है तो प्रश्न नंबर छह ये कहता है पी ई अपॉन एफ निकालना है अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन यह है कि एक कॉइन को तीन बार आपने टॉस किया क्वेश्चन सिक्स में यह दिया है कि एक सिक्का तीन बार उछाला गया एक सिक्का अगर तीन बार उछाला गया तब सैम्पल स्पेस क्या होगा पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड या पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल या फिर पहले उछाल में हेड, दूसरे में टेल तीसरे पे हेड ऐसा सही अभी एक क्वेश्चन करके आए थे उसमें तीन सिक्के एक साथ उछाले थे यहाँ एक एक करके लेकिन जो आउटकम्स का फॉर्म है वो सैंपल स्पेस वो सेम है होगा दोनों में तो इस तरह से ये पहले पे टेल पहली बार में टेल और बाकी दो में हेड इसी तरह से पहले में हेड दूसरे तीसरे में टेल फिर पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल या फिर पहले दो में टेल फिर हेड या फिर तीनों में टेल ये आपके तीन सिक्के एक सिक्का तीन बार उछालने पर ये टोटल आउटकम्स आए आप जो पहला पार्ट है वो ये कहता है इवेंट ई है हेड ऑन थर्ड टोस टॉस तीसरी बार में तीसरी उछाल पर तीसरी उछाल में हेड आएगा और एफ इवेंट कहता है पहले दो में हेडो पहली तथा दूसरी उछाल में आए तब आपसे पी ई अपॉन एफ पूछा है तो पी ई e का मतलब है तीसरी उछाल में हेड आए यानी एक दो तीन चार फोर अपॉन एट यानी वन अपॉन टू एफ का मतलब पहली और दूसरी उछाल में सॉरी हेड आए तो तीसरी उछाल में हेड आए तो एक ये वाला दो तीन और चार ये चार ही है चार बटे आठ फिर तीसरी उछाल फिर पहली तथा दूसरी उछाल में हेड आए तो एक दो, दो अपॉन आठ यानी वन अपऑन फोर पी इंट, इंटर इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ यानी तीसरी उछाल में हैड आए रह, पहले दु, और पहले और दूसरी में भी हैड आए तो सिर्फ एक ही तरीका रह गया इट इज़ वन अपॉन एट तो पी ई अपॉन एफ का मतलब होगा पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ तो ये हुआ एक बटे आठ और पी एफ हुआ आपका एक बटे चार चार बटे आठ यानी एक बटे दो तो ये आपका पी ई अपॉन एफ निकला सेकेंड पार्ट ये कहता है ई e का मतलब है कम से कम दो हेड हो तो पी ई e का मतलब कम से कम दो हेड हो तो कम से कम दो हेड या तीन हेड तो ई e कितना हुआ कम से कम दो हेड का मतलब या तो तीनों हेड या दो हेड तो कुल चार पी चार पौन आठ यानी एक बटे दो एफ इवेंट कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दो हेडो से ज्यादा दो एट मोस्ट एट मोस्ट टू हेड हो तो पीएफ कितना हुआ ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब या तो दो हेड या एक हेड या एक भी नहीं यानी सिर्फ तीन हेड को छोड़कर बाकी सारा तो ये हो गया सात अपॉन आठ फिर पी इंटरसेक्शन एफ ज्यादा से ज्यादा दो हेड और ये कहते कम से कम दो हेड तो दोनों का कॉमन क्या निकलेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ सॉरी कि ज्यादा से ज्यादा दो, दो हेड हो वो कहता है कम से कम दो हेड हो यानी दो हेड इसमें आ रहे भाई ई का मतलब होगा ट्रिपल एच 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 टी एच टी एच टी एच एच इसलिए चार बटे आठ हुआ पी एफ का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा यानी एच एच को छोड़कर बाकी सब एच एच टी टी एच 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 टी एच टी टी एच सॉरी एच एच टी टी एच 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 टी टी यानी इस वाले को छोड़कर बाकी सारे तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच फिर हो गया एच टी 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 एच टी 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 एच और टी 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 इस तरह से सात हुए ये एफ था तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा हुआ इसमें कॉमन हुआ तीन ये और ये ये तीन कॉमन है जब दो हेड तो ये हुआ थ्री अपॉन एट तो इस तरह से पी ई e अपॉन एफ क्या निकलेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ तो क्लियरली सूत्र के हिसाब से करेंगे आपको बहुत आसान पड़ेगा ये सात अपॉन आठ तीन बटे सात एफ मैंने पहले दूसरी तरह से बताया था एफ हो चुका है इसका मतलब एफ सैंपल स्पेस बन जाएगा तो उस सैंपल स्पेस में तब ई कितने तरीके से हो सकता है वो देखना है आपको तो वही हमने सूत्र से किया तो द आंसर तीसरा जो आएगा इसका तीसरा पार्ट का तीसरा पार्ट इवेंट ई यही करने की कोशिश करती हूं क्योंकि फिर सब समान बदल जाएगा ई है आपका ईवेंटू वोस्ट टू टेज ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स ज्यादा से ज्यादा दो टेल यानी तीन टेल छोड़कर बाकी सब कुछ हो गया ज्यादा से ज्यादा दो टेल का मतलब हुआ तीन टेल नहीं होगी बाकी सब कुछ होगा तो यानी सात बटे आठ एफ इवेंट ये कहता है कम से कम एक टेल तो पी एफ हुआ कम से कम एक का मतलब जीरो टेल को छोड़कर सब हो गए सात बटे आठ अपी इंटरसेक्शन ऐप की बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा दो टेल और ये कहता है कम से कम एक टेल तो कौन सा वाला उसमें रह गया तो इसका मतलब हुआ बेसिकली मैं फिर से लिख देती हूँ एस का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा दो टेल यानी इसमें से तीनों टेल छोड़कर बाकी सारे आइटम आ गए कम से कम एक टेल का मतलब इसमें सैंपल स्पेस में से तीनों हेड को छोड़कर सारे केसेस आ गए तो अब ई इंटरसेक्शन एफ इनमें कॉमन क्या आया कौन कौन से किसे आए तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो तो ज्यादा समझ आ जाएगा आपको तो टी 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 इसमें नहीं है और एच एच एच, 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 एच इसमें नहीं है तो दोनों में कॉमन ये और ये नहीं है बाकी सारे दोनों में कॉमन है तो ये और ये छोड़कर बाकी यानी कितने हो गए छह बटे आठ इसकी प्रॉबर्टी हो गई तो अब आपका जो प्रॉबर्टी ई अपॉन एफ है वो है आपका पी ए ई इंटरसेक्शन एफ अपऑन पी एफ तो पीई इंटरसेक्शन एफ हुआ 6 बटे आठ ये हो गया सात बटे आठ पी एफ ये रह गया 6 बटे सात ये था क्वेश्चन सिक्स आते क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन नंबर सेवन ये कहता है दो सिक्के उछाले गए एक साथ दो सिक्के टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली अब इसमें भी ई e अपॉन ऑन एफ निकालना है जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है ई e है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन एक पहले सिक्के पर नहीं एक सिक्के पर पहले तो यहाँ ऐसे बना देते पहले सैंपल स्पेस बना देते दो सिक्के उछाले जाएंगे एक साथ तो दोनों पे हेड पहले पे हेड दूसरे पे टेल या पहले पे टेल दूसरे पे हेड या दोनों पे टेल कुल चार इसके आ, आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में चार मेंबर बनेंगे एक सिक्के पर टेल हो एफ कहता है एक सिक्का हेड दिखाए एक सिक्के पर तो अब यहाँ पर है एक सिक्के पर टेल हो पी ई कितना हुआ एक सिक्के पर टेल हो तो कितना हुआ दो बटे चार यानी एक बटे दो पी एफ एक सिक्के पर हेड हो तो ये भी दो केस हैं तो दो अपॉन चार यानी एक बटे दो पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ एक पर हेड एक पर टेल तो ये भी दो ही किस्से हुए तो ये हुए दो बटे चार ये भी एक बटे दो हुआ तो पी ई अपॉन एफ हुआ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ तो ये हो गया एक बटा दो बटे एक बटा दो यानी वन तो ये श्योर इवेंट है जब एक सिक्के पे हेड आ चुका है एफ का मतलब एक सिक्के पे हेड जब तो एक सिक्के पे हेड आ चुका है किसी एक सिक्के पे तो दूसरे पे निश्चित तौर टेल ही होगा क्योंकि टेल और हेड के अलावा और कोई संभावना नहीं बनती तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर सेकेंड पार्ट ये कहता है इवेंट कहता नो टेल यानी कोई टेल यानी क्या कहेंगे चित पट पट होगा कोई पट नहीं हो यानी सिर्फ हेड हो तो पी ई कितना हुआ सिर्फ हेड यानी दोनों पे हेड दो बटे एक बटे चार एक ही तरीके से एक ही इवेंट बैठता है एक बटे चार एफ ये कहता है कोई हेड नहीं हो कोई हेड नहीं हो इसके अंदर टेल हो दोनों पे टेल हो तो पी एफ कितना हुआ आपका एक बटे चार ई इंटरसेक्शन एफ यानी कोई टेल नहीं है और वो कहता कोई हेड ना हो दो सिक्के या तो टेल नहीं है और हेड भी ना हो ऐसे कैसे संभव है तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा दो सिक्के उछालेंगे तो किसी एक पे या टेल जरूर आएगा और ये कहते हैं दोनों में से कोई ना हो तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए पी ई अपॉन एफ कितना हुआ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ के बराबर था जो जीरो अपॉन वन अपॉन फोर तो इसका रिजल्ट आया जीरो तो क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है प्रश्न नंबर आठ पर आते हैं प्रश्न नंबर आठ ये कहता है एक डाई को तीन बार उछाला गया पासा जो होता है डाई मतलब पासा तीन बार उछाला गया तो तीन बार उछालने में कुल कितने आप चूँकि इसके सारे रिजल्ट तो हम नहीं लिख सकते एक आपको सैंपल स्पेस का वैसे बता देती हूँ या तो तीनों पे फर्स्ट वन 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 या पहले पे वन फिर दूसरे पे वन फिर तीसरे पे टू इस तरह से ये सिक्स तक जाएगा फिर पहले पे वन दूसरे पे टू फिर वन ऐसे करते करते तो कुल मिला के टोटल स्पेस जो बनेंगे सैंपल स्पेस होगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स यानी सिक्स की पावर थ्री या कह लो दो सौ सोलह टोटल आउटकम्स होंगे एन एस फिर मतलब दूसरे पे टू फिर आखिरी के बदलेंगे फिर वन के साथ इसी तरह से तीसरा बदलेगा फिर इसी तरह से वन की जगह टू होगा तो बहुत सारे इसमें कुल सौ सोलह आउटकम्स होंगे दो सौ सोलह आउटकम्स नहीं लिखे जा सकते अब आ जाते हैं हम ईवेंट ईवेंट ई ये कहता है फोर एपियस चार संख्या चार संख्या चार जो है वो तीसरे पासे पर आए ऑन थर्ड थर्ड टॉस संख्या चार तीसरे पासे पर आए तो अब इसको देखें तीसरे पर चार आए कितने तरीके से उसकी प्रॉबलिटी क्या होगी क्योंकि मतलब सिर्फ उस आखिरी पे चार रहे और पहले और दूसरे पे छह तरीके से ये रिजल्ट आ सकता है छह तरीके से ये रिजल्ट आता है एक तरीके से तो कुल कितने हुए छत्तीस तरीकों से ये होगा तो छत्तीस अपॉन दो सौ सोलह यानी वन अपॉन सिक्स प्रोबेबिलिटी होगी इसकी संख्या चार चौथे पर आए तो चौथे पर चार आने की कितने तरीके से आएगा एक तरीके से और पहले और दूसरे में छः छ तरीके से सेट हो सकता है तो सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स तरीके से इसमें परिवर्तन हो सकता है पहले और दूसरे पर कोई भी संख्या है तो छः पहले पे आ सकती है छः दूसरे पे आ सकती है तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू वन तो ये ई होने की जो तरीके हैं इवेंट ई के फिर एफ इवेंट ये कहते हैं छः और पाँच आए छः पहले पर छः संख्या संख्या छः पहले पासे पर पहले पहली बार में ये पासे पासा तो एक ही उछल रहा है तीन बार तो ये तीसरी बार में पासा नहीं कहेंगे तीसरी बार में और पहली बार में छ आए तथा आ, दूसरी बार में पांच आए तो पी एफ और तीसरी बार में कुछ ही आए तो पी एफ का हो गया पहली बार में छ आई इसका एक तरीका दूसरी बार में पांच आए इसका एक तरीका और तीसरी बार में कुछ कोई भी संख्या हो सकती है तो कुल आउटकम्स हो सकते हैं आउट ऑफ दो तो सौ सो सोलह तो एक बटे छत्तीस ये हुआ अब पी ई अपॉन एफ का मतलब हुआ ई इंटरसेक्शन एफ की पहली बार में छः आए दूसरी बार में पांच आए तीसरी बार में चार आए तो सिर्फ एक ही आउटकम होगा 216 सो में से तो ये हो गया एक बटे दो सो सोलह तो इस तरह से पी ई e बटे एफ होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी एक बटे दो सौ सो सोलह अपॉन पी एफ यानि एक बटे छत्तीस तो ये हो गया छत्तीस बटे दो सौ सोलह एक बटे छ ये आपका था क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ये कहता है मदर फादर एंड सन लाइन अप एटरेंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर एक फैमिली पिक्चर बननी है उसमें माता पिता और बेटा तीनों को लाइन में खड़ा होना है एटरेंडम यानी कोई ऑर्डर नहीं है किसी भी तरह तो कितने तरीके से आप ये ऑर्डर बन सकता है ये देखेंगे तीन हैं तीन व्यक्तियों का जो सैंपल स्पेस बनेगा फादर मदर सन फादर सन मदर मदर फादर सन मदर सन फादर तो पहली पोजीशन पे फादर थे मदर और सन चेंज हुए फिर पहली पोजीशन पे मदर हुई फादर और सन इंटरचेंज हुए फिर तीसरी पोजीशन पे सन हुआ और मदर फादर इंटरचेंज होंगे तो कुल आपके छह रिज़ल्ट हुए मैंने एक दो तीन चार पाँच छ तो आप अब ये रिज़ल्ट आपके जो आए किस आपने परमुटेशन पढ़े थे पहली पोजिशन के लिए तीन चॉइस दूसरी पोजिशन के लिए दो चॉइस तीसरी पोजिशन के लिए एक चॉइस थ्री इंटू टू इंटू वन यानी टोटल तो सिक्स तो 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 रिजल्ट्स होंगे परमुटेशन में आप पढ़ के आए थे क्रमच आप पढ़ के आए थे उसके हिसाब से ये, ये हमने बनाया ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी क्रमचे लगाकर ही हमने टोटल आपके आउटकम्स निकाले थे तो ये हुआ आप क्या कहते हैं ई इवेंट कहता है सन ऑन वन एंड पुत्र एक किनारे पर हो किसी भी एक है यानी पहली या आखिरी पोजीशन पर तो कितने तरीके से पुत्र किनारे पर आ रहा है या तो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है दो तीन चार तो चार तरीके से पुत्र किनारे पर आ रहा है तो चार अपॉन छः यानी दो अपॉन थ्री प्रॉबर्टी हुई पुत्र के किनारे होने पर एफ प्रॉबर्टी है फादर मिडल में हो पिता मध्य में हो तो पीएफ होगा पिता मध्य में कितनी जगह है एफ बीच में एक तो यहाँ है और एक यहाँ है तो दो तरीके से पिता मध्य में तो टू अपॉन्ट सिक्स यानी वन अपॉन्ट थ्री प्रॉबर्टी होगी पिता के मध्य होने में अब ई इंटरसेक्शन एफ कि पुत्र किनारे पे हो और पिता मध्य में हो पुत्र किनारे पे हो और पिता मध्य में हो तो देखेंगे एक तो ये हुआ पिता मध्य में है और दूसरा ये तो डेफिनेटली जब पिता मध्य में होगा तो एक तरफ पुत्र होगा एक तरफ माता होगी तो पुत्र किनारे पे ही होगा तो पी एफ और पीई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात हो गई तो ये भी दो बटा छः हुई तो इस तरह से पी ई अपॉन एफ का मतलब हुआ पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी जब पिता मध्य में हो ये पता है तो पुत्र के किनारे की होने की प्रॉबलिटी शोर इवेंट हो गया तीन जगह में अगर पिता मध्य में हो गया तो पुत्र के पास किनारे के अलावा और कोई जगह नहीं बचेगी चाहे आगे खड़ा होगा चाहे पीछे होगा किनारे पे तो शोर इवेंट हो गया और श्योर इवेंट की प्रॉबलिटी कितनी होती है आपकी वन होती है और वो आपके कैलकुलेशन से भी आ गया तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन तो यहां तक के आपने क्वेश्चन किए अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराएंगे थैंक यू